Hello guys, I'm Aryan Raj Singh. I'm a third year MBBS student at AIIMS New Delhi, that is All India Institute of Medical Science New Delhi. And guys, इस वीडियो के थ्रू on Unacademy Sapiens मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों टॉप 10 रैंक को स्टार्टिंग से टारगेट कर रहा था, क्यों मैं चाहता था कि मेरे को टॉप 10 रैंक मिले, और मैं क्यों चाहता हूँ कि आप भी ये सोचो कि आपको भी टॉप 10 रैंक मिले. गाइस, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू ना जो मैं अनअकैडमी सेपियंस में बना रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक रीच आउट कर पाऊँ. इफ़ यू डोंट नो गाइस, आई सिक्योर 690 आउट ऑफ 720 इन नीट 2017. एम्स में मेरी AIR 11 रैंक थी, CBSE बोर्ड में 96.2% थे, एंड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैंने सिक्योर किया था बायोलॉजी के पेपर में CBSE के. AIR 14 थी मेरी KVPI में, एंड आई एम ऑल्सो NTSC स्कॉलर. बायोलॉजी के पेपर में मेरी नीट में 350 आउट ऑफ 360 थे. तो यार, क्योंकि बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, आप जिस फेज से अभी जा रहे हो, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ आपको क्या क्या स्टडी हैक्स यूज़ करने चाहिए ताकि आप ना एग्जाम में फोड़ के आओ. अभी जो 3-4 महीने आपके पास बचे हैं ना, अगर आप 11th के भी स्टूडेंट हो तो फिर भी आप इतने प्रिपेयर हो जाओ अपने से, अभी आप इतने अवेयर हो जाओ, आपका दिमाग जो है ना जग जाए. अगर आप सो रहे हो तो आप जग जाओ कि आप एक साल जो आपके बचे हैं ना 12th के, आप वो अच्छे से यूटिलाइज कर लो. ठीक है, अगर आपके 3-4 महीने बचे, आप ड्रॉपर हो, क्लास 12th में हो, अभी बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी. मेरा वो एक ही गोल है यार, ये जो आप व्हाइट कोड देख रहे हो ना, ये व्हाइट कोड, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही व्हाइट कोड अर्न करो अपने लिए इन 3-4 महीने के प्रिपरेशन के बाद. ठीक है, आप भी प्राउडली कह सको कि मैं भी एक MBBS स्टूडेंट बनने वाला हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ और सिर्फ यू नो एक टॉप कॉलेज में ही जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओगे यू विल बी एन MBBS अंडरग्रेड, राइट. सो गाइस, बिफोर आई टेल यू कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, फिजिक्स में हो कैसे आपको 170 प्लस स्कोर लाना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कैसे 350 और 360 लाना चाहिए, कैसे आपको एक्स्ट्रा कौन कौन से एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एंड आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे पेपर की एनालिसिस करनी चाहिए, कैसे 15 आवर्स अ डे आपको पढ़ाई करनी चाहिए अभी इस मोमेंट में, कैसे बोर्ड्स और नीट अगर आप दोनों अपीयर कर रहे हो तो कैसे मैनेज करोगे, ये सब चीज़ें मैंने अपने आर्यन राज सिंह जो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है उस पर मैं तो शेयर करके रखा ही हूँ. ऑलमोस्ट 110 के सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, 1,10,000 सब्सक्राइबर. पर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्यों, आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आप एक अच्छी रैंक लाओ नीट के पेपर में, अभी जो आप देने वाले हो 2020 के पेपर में. क्यों आपको टॉप 10 रैंक लानी चाहिए, क्यों टॉप 100 रैंक लानी चाहिए, मेरा क्या मोटिव था. एंड आई एम श्योर यार, अगर मेरा मोटिव जो है ना वो आपके मोटिव के साथ अलाइन कर रहा होगा, आपको भी अंदर से यार वो इच्छा होगी, आप भले ही वो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो कि शायद आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पर आपकी भी अंदर से यार वो ना एक होता है ना कि काश मेरी भी ऐसी रैंक आ जाए, मैं भी उस लेवल पे पहुंच जाऊँ. तो ये काश मेरे भी अंदर था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, और मैं वो शेयर करने वाला हूँ क्यों मेरे अंदर ये काश वाला फैक्टर था कि यार मेरी रैंक टॉप 10 में आ जाए प्लीज़, मैं क्यों वो विश करता था, क्यों मैंने इतनी फाड़ के मेहनत की. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था यार कि अगर आप देखो यार, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, इफ़ यू आर फ्रॉम स्मॉल टाउन, यू नो मैं बनारस का हूँ, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश कहूँ, अगर जो नहीं जानते, इट्स अ सिटी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है. वहाँ से पिछले 20 साल में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो एम्स क्रैक किया हो बनारस में रहते हुए. ऐसे लोग हैं जो बनारस के थे, जो कोटा जाके, दिल्ली जाके प्रिपरेशन करके, यू नो होम बेस्ड स्टडी करके किसी ने नहीं निकाला था, वहाँ पे वहीं के कोचिंग के इंस्टीट्यूट में पढ़ के किसी ने पेपर नहीं फोड़ा था. एंड मेरा ये टारगेट था यार 11th 12th में कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, मेरे को यू नो टॉप 10 रैंक लानी है, एंड एम्स में एडमिशन लेना है, एम्स न्यू दिल्ली में ही सिर्फ एडमिशन लेना है, और 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ना है बनारस का. दिस वॉज पॉइंट नंबर 1 जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था यार. मैं उठता था या सोता था उससे पहले यू नो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि मैं कैसे करूँ, कैसे और अपना यू नो एफिशिएंसी बढ़ाऊँ पढ़ाई में, कैसे और टाइम डिवोट करूँ पढ़ाई के लिए, ठीक है, कैसे और बैलेंस आउट करूँ चीज़ें को, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एनर्जी अपनी चैनलाइज कर पाऊँ पढ़ाई के लिए. तो यार एक जब आपके अंदर मोटिवेशन और वो एक मोटिव होता है ना पढ़ने का, तो आप अपने आप को ना ड्रैग कर पाते हो अपने डिस्ट्रैक्शन से, यू नो डिस्ट्रैक्शन से बाहर अपने आप को आप ड्रैग कर पाओगे. अगर आपके वो मोटिव नहीं है तो आप बेड पे पड़े रहोगे या चद्दर तान के सोते रहोगे और आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपका मन भी ये बात जानता है. पॉइंट नंबर 2 ये था यार कि कभी आपने अगर अपना गूगल पे आप अपना नाम सर्च करके देखना, आपका नाम सपोज अभिनय है, अभिनय कुमार,
अभिनय कुमार आप टाइप करो एंड आपका गूगल पे क्या नाम क्या आएगा, आपका सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल आ जाएगा, नीचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल आएगा, टाइप करके सर्च करके देखो। मैं भी यही करता था, पर अब मैं जब आर्यन राज सिंह टाइप करता हूँ ना, तो मेरे को दिखता है यार मेरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है, ठीक है, कई इंटरव्यूज़ है जो लिस्टेड है, ठीक, कई कई यू नो कई लोग मेरे बारे में लिख रहे हैं वहाँ पे। तो यार मेरे को सिर्फ यही चीज़ें नहीं चाहिए थी कि यार फेसबुक का इंस्टाग्राम का बस नाम डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, गूगल पे सर्च करने पे। मेरे को भी कुछ चाहिए था यार कि मेरा भी कुछ नाम हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ रिजल्ट मिले और रिजल्ट बहुत इम्पैक्टफुल, मैं दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट गूगल सर्च। तो पहला था मेरे को अपना है सिटी का, अगर आप छोटे टाउन से हो किसी भी टाउन से हो, आपको वहाँ का प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक करना है। और मेरा 20 साल पुराना रिकॉर्ड था मेरे बनारस सिटी का, वाराणसी का 20 साल पुराना रिकॉर्ड था, मेरे को वो ब्रेक करना था। दूसरा था मेरे को अपने गूगल पे जब मैं नाम टाइप करूँ ना आर्यन राज से, तो वो दिखाए कुछ यू नो कुछ ऑसम सा, कुछ अमेजिंग सा, कुछ जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर। तीसरा था यार मेरे को भी यार इंटरव्यूज़ में जाना था। मैंने अपने अपने सीनियर जो है ना मेरे जो एम्स में है अभी, वो भी अपने समय के टॉपर्स थे, मैंने उनकी फ़ोटो लगा के पढ़ाई की है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने उनकी फ़ोटो लगा के उनके इंटरव्यू से सीख के मैंने पढ़ाई की है। और शायद ये इंटरव्यू आपको भी काम आए, और किसी दिन इस यू नो इंटरव्यू तो नहीं, इस सोलो वीडियो की आप यू नो तारीफ़ करते हुए ये बोलो शायद कि यार हाँ इस वीडियो ने ना इट वॉज़ द टर्निंग पॉइंट मेरे प्रिपरेशन में। मैं यही चाहता हूँ, ऐसा इंपैक्ट जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक। अब इंटरव्यूज़ में मेरे को भी बैठना था यार, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास लोग आए, कैमरामैन वाला आए, वो नो वो फ्लैश लाइट हो, यू नो कोई माइक पकड़ के खड़े हो, इंटरव्यू करे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटजी क्या थी, आपको कैसा लग रहा है अभी, मॉम डैड का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, मतलब जो जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन होते थे मेरे टॉपर्स जो यू नो मेरे सीनियर जो टॉपर्स रह चुके हैं उनसे पूछे जाते थे, मैं चाहता था वो मेरे से भी सवाल किया। तो ये सब ना एक बहुत ही प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था, एक बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करता था मेरे अंदर कि यार मेरे को 4K आना है, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना है, जो 17 लाख एस्पिरेंट मेरे साथ बैठ रहे हैं ना उनको मेरे को बीट करना है और टॉप 10 में अपनी जगह बनानी है एट एनी एट एनी कॉस्ट एट एनी लेवल, किसी भी लेवल में मेरे को जाना पड़े मेरे को ये करना ही करना है। चौथी चीज़ थी पेपर में नाम आना यार, इट वॉज यू नो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अगर आप नहीं जानते हो आप कभी अपना एक बार ना पेपर में नाम आने दो यार, ठीक है, यू विल बी ऑन द 9th स्काई डूड, ट्रस्ट मी। मतलब आप समझ रहे हो पेपर में नाम आना, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जितने भी गाइड्स हैं वो सब आपको देख रहे होंगे, आपके कॉमर्स यू नो वाले जो फ्रेंड्स हैं वो देख रहे होंगे, आपके आर्ट्स वाले फ्रेंड्स, ह्यूमैनिटी जो कुछ भी कर रहा, जो बंदा ड्रॉप कर रहा वो सब देख रहा है और आपसे इंस्पायर हो रहा है कि आपने कुछ इतना बड़ा इम्पैक्टफुल किया कि न्यूज़पेपर वाले आपका नाम छाप रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को भी पेपर में नाम चाहिए था बड़ा बड़ा कि हाँ मैंने अपना यूपी टॉप किया है या फिर इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पर मैंने टॉप किया है, मेरा टॉप स्कोर गया है, जैसे मैं यू नो पेपर कटिंग अपने यू नो मेरे से ऊपर वाले जो टॉपर्स थे उनका मैं लगा के पढ़ाई करता था ना, जो पुराने प्रीवियस टॉपर्स थे उनकी पेपर कटिंग मैं लगा के पढ़ाई करता था, उनके वीडियोज देख के पढ़ाई करता था, वैसे ही कोई मेरे साथ भी करे तो ये भी यार एक यू नो अंदर से वो आता है कि यार हाँ मेरे को भी इस लेवल पर पहुँचना है। नेक्स्ट चीज़ है यार यू नो मैं भी चाहता था कि मैं कोरा पे आऊँ एंड अपना वो प्रोफाइल क्रिएट करूँ एंड लोगों को आंसर करूँ। इफ़ यू डोंट नो कोरा इज़ अ प्लेटफॉर्म, मैं वहाँ पे भी हूँ, मेरा प्रोफाइल है आर्यन राज सिंह के नाम से, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेरे आंसर से रीड कर सकते हो, ठीक है। कोरा पे और भी यू नो एम्स के कई सीनियर रह चुके हैं जो कोरा पे रहे हैं, बहुत ही रिनाउंड सीनियर्स हैं, काफ़ी आंसर्स करते थे, मैं उनके आंसर्स पढ़ता था और मेरा भी ड्रीम था यार कि मैं किसी दिन जाऊँगा मैं भी आंसर लिखूंगा और मेरे भी आंसर पे 10,000, 15,000, 20,000 व्यूज़ होंगे, लोग पढ़ रहे होंगे, कमेंट कर रहे होंगे, मेरे से भी पूछ रहे होंगे भाई आपने कैसे पढ़ाई की, मेरे को भी स्ट्रैटेजी बताइए, मैं इधर डिस्ट्रैक्टेड हूँ या डिविएटेड हूँ, मेरा इतना ही मेरा 100 नंबर आ रहे हैं बायोलॉजी में, मेरे को 360 तक पहुँचना है, यू नो फिजिक्स में मेरे 10-15 नंबर आ रहे हैं, 120 तक पहुँच रहा है, और एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये चीज़ अचीव किया एंड मैंने एस्पिरेंट्स की हेल्प की है एंड ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स की हेल्प की है जो 370 नंबर लाते थे ना, 260 नंबर, वो उनको मैंने पिछले साल इसी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने वीडियो सीरीज के थ्रू 3 महीने में मैंने उनको यू नो 625-660 नंबर तक पहुंचा दिया, ठीक है, सिर्फ यू नो एक मोटिवेशन एक गाइडेंस के थ्रू। उनका डिवोशन तो यार उनका यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन तो अमेजिंग था ही यार, उनका मतलब 90% एफर्ट मैं कह सकता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ 10% एफर्ट होगा सिर्फ उनको गाइड करने में, उनको मोटिवेट करने में। एंड जो लास्ट पॉइंट था ना, छठा पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो है कि यार मेरे को
एक रिजल्ट देना था, एक आउटपुट देना था अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को, मतलब उनके लिए भी कुछ करना था। दे आर लाइक अनसंग हीरोज, उनकी बारे में बात नहीं होती है। आप मेरा नाम जान रहे हो, मेरे पेरेंट्स के बारे में आप नहीं जानते हो, ठीक है? मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे टीचर्स का नाम आप नहीं जानते होगे, अनटिल अनलेस आप मेरे कोई क्लोज हो और ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो यार मेरे को उनको भी रिकॉग्निशन देनी थी। वो कुछ नहीं आपसे मांगते यार, वो बस दिन रात मतलब आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, आपसे 2 गुने 3 गुने उम्र के हैं फिर भी आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, आपका भी ख्याल रख रहे होते हैं, घर का भी ख्याल रख रहे होते हैं, आपके फाइनेंसिस का भी ख्याल रख रहे होते हैं और अपने फाइनेंसिस का भी ख्याल रखते हैं, आपके फ्यूचर सेटिंग भी वही कर रहे होते हैं, ठीक है? प्लानिंग भी वही कर रहे होते हैं, इतना सारा काम कर रहे होते हैं और हमारा काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तो गाइस आई अर्ज यू कि आप ये पूरी वीडियो सीरीज जो अभी मैं 5 वीडियोज़ बना रहा हूँगा, आप उसको पूरा पूरा एंड तक फॉलो करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। मैं अभी आपको पूरा ना फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड आपको बताऊंगा कि कैसे आप यू नो अपने स्कोर को आप बूस्ट कर पाओ। अगर अभी आप जिस लेवल पे भी ना, उससे कम से कम आपके स्कोर यू नो 50% से ज़्यादा 70% ज़्यादा आपका बढ़ने वाला, आप जिस लेवल पे भी हो अभी, या तो मेंटेन होगा अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, नहीं तो आपका स्कोर पक्का बढ़ने वाला है, वो मेरी गारंटी है। बाय द वे गाइस, इफ़ यू वांट टू जॉइन अन अकेडमी कोर्सेज, यू कैन यूज़ माई कूपन कोड ARS फॉर यू नो 10% ऑफ ऑन द अन अकेडमी कोर्सेज। यू कैन बी टॉट बाय यू नो लाइव क्लासेज, थ्रू लाइव क्लासेज बाय DC पांडे सर, अमित सर, देर आर सो मेनी यू नो रिनाउंड टीचर्स and professional teachers on the Unacademy platform. If you want to join, you can use my coupon code ARS for 10% off. The coupon code will be mentioned in the description below. Thank you so much, guys.